देख लो गाइस, बढ़िया बाल सेट करा लो ना। हाँ भाई, हो गया स्मार्ट। बोले खुद ने सेट करे। मेरी बारी में कैमरा ऑन कर लेगा। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे। सो आज है हमारा मैच एंड कोई से एक न्यू ग्राउंड ओपन हुआ है, तो उधर ही आज हमारा मैच होने वाला है। टाइम से है ठीक है, मतलब ऐसा है कि हम दोनों में से मैं लेट हो रखा हूँ और ये टाइम पे ये ग्राउंड में पहुँच चुका है। ये इसका बूथ है यहाँ पे ना भाई। हाँ, तो ये मेरे लिए इसका तो बूथ है, इसे मेरे लिए रुका है, बाकी ये ऑलरेडी ऑन ग्राउंड है। कुछ वैसे ब्रेकफास्ट में कुछ खाया हुआ है नहीं है, क्योंकि इससे बता रहे लेट हो गया हम दोनों उठने में। एंड ये रहा मेरा कैरी बैग ऑलरेडी सेट हो गया, किट बैग ऑलरेडी सेट है, एंड अब बस निकल रहे हैं ग्राउंड के लिए। और अब निकल रहे हैं, तो चलते हैं अब डायरेक्ट आप लोगों से ग्राउंड चल के मिलते हैं। तो गाइस, ग्राउंड में आ चुके हैं, अब रोप के अंदर जा रहे हैं। और ये देखो, ये रहा ग्राउंड, ये देखो साइड में नेट्स एंड कुछ देखो ऐसा ग्राउंड है। और ये हमारा नमन ब्रो। हे नमन ब्रो, बढ़िया घास वास गीली हो रही है ब्रो पूरी एकदम। गाइस देखो, घास देखो पूरी गीली हो रही है, लगभग ठंड आ चुकी है। और हम लोग जा रहे हैं विकेट के ऊपर, विकेट देखने के लिए। तो चलो भाई, चल के जरा विकेट देखते हैं कि विकेट कैसा हो रहा है। सो गाइस, ये देखो जैसे ग्राउंड में ओस होने लग गया, तो देख लो सुबह सुबह ओस सूखने के लिए। देखो ऐसा करते हैं भैया और पाइप लेके अब पूरे ग्राउंड में लगभग घूमेंगे ऐसे गोल गोल, कि जहाँ जहाँ पे ओस हो रखी है, वैसे तो ये पूरे ग्राउंड में ओस हो रखी है, कि ओस थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो हम लोग विकेट पर आ चुके हैं, तो विकेट तो यार दिखने में बढ़िया लग रहा है, पूरा वाटर विकेट लग रहा है ना, विकेट में कोई मॉइस्चर है ना कुछ है, तो विकेट ऐसा बढ़िया लग रहा है। कोई मेरे हिसाब से अगर पहली बैटिंग में आएगी तो बॉल बैट पे स्किट करेगा, क्योंकि अभी आउटफील्ड थोड़ी गीली हो रखी है, बॉल गीला होगा तो अच्छा स्किट होगा, बैट पे आएगा। और बाकी यहाँ पर अभी तक एक भी मैच खेला नहीं हो, पता नहीं किधर का बाउंस कैसा लो है कि एकदम एक्यूरेट है, पता नहीं है यहाँ के बाउंस के बारे में। बाकी तो वो जब खेलेंगे धीरे धीरे तभी पता चलेगा। एंड हमारा आज का T20 मैच है, वो भी वाइट बॉल से, तो मज़ा आने वाला है आज की व्लॉग में। बाकी अब चलते हैं डायरेक्ट, थोड़ा वॉक करते हैं और थोड़ा जरा बॉडी स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि कल ट्रेनिंग करती, ट्रेनिंग के बाद कुछ भी करा नहीं, कूल डाउन भी ढंग से नहीं करता। बाकी आप लोग खुद देख लो एक बार विकेट तो मेरे को दिखने में सच में बढ़िया लग रही है। देखो गाइस, ये वाले जो भैया हैं, देखो हमारी टीम में कैप्टन है भैया सच में। ये भैया देखो हमारी टीम में कैप्टन है, हमारी बैटिंग आ चुकी है, नमन जा रहा है ओपन। नमन भैया का सैलून है। हाँ, कहाँ पे? लोकेशन बता दो भैया, बताओ। हाँ, राजनगर पार्ट टू। हाँ, आलम कॉलोनी। ओके, ओल्ड मैरोली रोड, खंडेलवाल कॉम्प्लेक्स। आहा, सैलून। आगने भी ना बाइसेप से फ्लेक्स करे भैया आपने, यूं करके भैया मजा आ गया। तो गाइस टॉस हो चुका है, टॉस हमारी टीम जीत गई है, हमारी टीम ने टॉस की पहले बैटिंग ली है। एंड ओपन जा रहा है नमन तिवारी और एक और वाले भाई, देखो पीछे कुछ अपना सामान नहीं लेके आते हैं, नमन तिवारी बेकार लड़का है। ये ले भाई, गाइस देखो बैट भी नहीं लेके आया, बैट देखो देना पड़ता है इसको, वैसे हालांकि ये बैट इसी का है। ये ले भाई, चल गुड लक। Very, very, very.
सो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि नमन ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा मिड विकेट के ऊपर, तो नमन अब मेरे को बोल रहा है कि अगले बॉल ये पक्का ऊपर डालेगा एंड नमन कूद के कवर्स के ऊपर से इसको बाउंड्री मारेगा। देखते हैं नमन ये चीज़ कर पाता है कि नहीं। तो देखो गाइस, जैसे कि नमन ने प्रेडिक्ट करा था एकदम सेम वैसे ही निकला। तो क्रिकेट इसीलिए बोला था दिमाग का गेम है एंड मैं इसीलिए नमन को हंस के देख रहा हूँ कि भाई मानना पड़ेगा, सही तूने प्रेडिक्ट करा था। सो हमेशा गाइस बॉलर के माइंड को पढ़ने की कोशिश करा करो जब भी आप लोग बैटिंग कर रहे होते हो। एंड गाइस अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी नमन मेरे को फिर से कुछ बताने के लिए आ रहा है एंड नमन मेरे को ये बता रहा है कि अब बॉलर इसको सीधी सीम से बॉल डालेगा, क्योंकि एक छोटी में नमन ने छक्का मार दिया, फिर एक कवर्स के ऊपर से मार दिया एंड अब बॉलर पे कुछ तरीका नहीं बचा बाउंड्री बचाने का, तो वो तेज वाली सीधी सीम से डालेगा। आप लोग देखो इस बॉल को। सो गाइज इसीलिए जब भी आप लोग बैटिंग कर रहे हो तो हमेशा अपने माइंड का जितना हो सके उतना यूज़ करो एंड बॉलर्स के दिमाग को हमेशा पढ़ने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आप हमेशा बॉलर के दिमाग से आगे चलेंगे एंड आप लोगों को पता रहेगा कि वो क्या बॉल डालने वाला है, तो बैटिंग और ईजी हो जाएगी।
सो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि लास्ट बॉल पे मेरे स्वीप नहीं लगा, स्क्वायर लेग ऊपर है, तो मैं फिर से कोशिश करूँगा एंड इस बार सक्सेसफुली मैंने ये शॉट मार दिया। सो गाइज, हमेशा बैटिंग कर रहे थे तो ये नहीं कि अगर आपसे एक शॉट ना लगे तो आप उसको दोबारा कोशिश ना करो, हमेशा अपने अंदर सेल्फ बिलीव रखो एंड उस शॉट को खेलने की कोशिश करो। एंड इसी प्रकार से शॉट से मेरी 50 भी हो गई। गाइज ये देखो स्कोर देखो, 225 रन पे 3 विकेट नमन तिवारी, 101 पे 53 बॉल में एंड मैं 72 पे आउट हो गया। और बाकी हमारे मोनू शर्मा को ओपन गया था भाई, उन्होंने 29 रन बनाया, फिर एक अक्कू भाई गए थे जो सेकंड डाउन आए थे, वो 1 रन पे आउट हो गए और अभी वंश नॉन स्ट्राइकर एंड पे वो 1 रन पे खेल रहा है। बाकी यार गलत सेंचुरी छूट गई। हमारे टीममेट देखो वहाँ पे सारे, वो देखो आपको विवेक भी देखेगा, वो मेरे पीले वाला पैर देखो पहन के खड़ा है, पूरी बातें कर रहा है एंड हमारे देखो पूरे टीममेट्स वहाँ बैठे हैं एंड और बाकी तो और कुछ देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं। बॉलर की तीसरी बॉल, नमन तिवारी ऑन स्ट्राइक, क्या नमन तिवारी छक्का मारेंगे, क्या क्राउड को मजा दिलाएंगे। और ये बीट नमन तिवारी, बहुत ही ज़्यादा ही बेकार बैटिंग नमन तिवारी के द्वारा। आखिरी ओवर की चौथी गेंद, नमन तिवारी ऑन स्ट्राइक एंड इट्स विल बी बाउंड्री और एक और बार बीट, दोबारा सफल करेंगे और मारने जाएंगे नमन तिवारी। और ये तो बहुत ही ज्यादा खराब गेंद, बॉलर उतना तो चिल्लाया आपने ऊपर, देखते हैं गाइस आखिरी बॉल पे ए लो नमन तिवारी जी रन आउट होते हुए लास्ट बॉल पे। तो फर्स्ट इनिंग खत्म हो चुकी है एंड इसको 230 ऑड रन्स रहे, सो अच्छी बैटिंग नहीं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि विकेट पाटा लग ही रहा था बट यहाँ पे मैं अभी एक भी मैच खेला नहीं था तो जब तक मैं मतलब विकेट को देख नहीं पाता वैसे मैं बता नहीं सकता, बट जैसा प्लान था वैसे ही रहा, हमने टॉस जीते हम लोगों ने पहली बैटिंग ली और पहली बैटिंग करके 230 ऑड रन हमारी टीम ने बनाए। अच्छी इनिंग के लिए नमन ने भी, अच्छी इनिंग के लिए मैंने भी एंड स्टार्टिंग में मोनू ने भी अच्छी बैटिंग करी थी बट वो आउट हो गया था। सो हमारी टीम की अच्छी बैटिंग रही और विकेट सच में अच्छा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ 230 रन चेजेबल है, अगर इनके टीम से भी दो या तीन बैट्समैन खड़े हो गए ना तो 230 रन इजी चेजेबल है। चेज में गोप्रो लगाने वाला हूँ कीपर के ऊपर, एक्चुअली मैं बैटिंग में लगा था बट नमन मेरा हेलमेट लेके आ गया था इसलिए बैटिंग के टाइम पे लगा नहीं पाया, बाकी चेज में लगाऊंगा हेलमेट के ऊपर गोप्रो। अब डायरेक्ट चलते हैं चेज पे। सो गाइस सेकंड इनिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड गोप्रो लगा दिए कीपर भी उनके हेलमेट पे, ये देखो। तो अब आप लोग जाओ जरा गोप्रो व्यू को एंजॉय करो, ये रहा हमारा कीपर भैया विवेक इधर लगा हुआ है, नमन अभी थोड़े बाहर बैठा, उसे थोड़े बैक पेन स्टार्ट हो गया इसीलिए। सो आप सभी के लिए गोप्रो व्यू इन 3 2 1। कैच इट, अरे
तो सेकंड विकेट हमारे भैया ने ले लिया। ओ फिर से फ्लैक्स कर दिया। हे गाइस भाई के फॉलोअर कुछ ज्यादा हो गया तो भाई जल्दी जल्दी अनफॉलो करना शुरू हो जाए भाई। सो गाइस कीपिंग आपका भाई कर रहा है एंड प्रोबेबली लाइफ में सेकंड या थर्ड टाइम कीपिंग कर रहा हूँ, मजा आ जाएगा। भैया कूद के मारो, क्या जा रही है आना 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 गुर्त्रो गुर्त्रो एक बोल दिया। ये क्या चेडी दीवान। ठीक है गुड बॉल गुड बॉल। डंडी हो गए डंडी डंडी हो गए। बोल यार भी यार तो सीधा बोल पे मार रहा है तो बोल पे अपील क्यों कर रहे हो। बोल पे अपील क्यों कर रहे हो, पहले पैड पे लगी थी ना। यार गुरु क्या चाहते हैं भाई। ये शॉट यार भैया गुड शॉट। आजा 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 बॉल उठा दो आजा। ओवर में दो खराब बॉल डाल दी, फायदा नहीं ओवर का। ये टॉप बॉल वंशी। ये शॉट शॉट भैया। दिल्ली से ही ताली लगा के ताली लगा के आज ले रहा है गुरु। भाई पता है भैया पता मेरे कारण आउट हुआ है। भैया तो मेरे कारण आउट हुआ है वरना तो कितना नंबर था छक्का खाता। थैंक्स से थैंक्स टू मी गुड गया जी आप बदी ताली बजा के। तो गाइस ये चीज़ प्रूव होती है कि बैटिंग करते टाइम कभी भी किसी बैटिंग करो तो आप बात मत करा करो, इससे जो कंसंट्रेशन होता है वो लूज होता है। तो हमेशा फोकस अपनी बैटिंग कर करा करो। जो भी बात करनी है मैच कल कर लो। ओ बाहर ठीक है नहीं 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 डंडे में लगा। स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट गाइस हमेशा सच बोला करो। आउट हो गया। हेलो मंजी चल 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 फटाफट। ओह अरे बे होगी होगी वंशी। अरे गुड कैच यार गुड कैच यार वंशी। अरे भाई अब तो के हो गया पहला फोड़ है यार भैया छे हो गया बेटे। या या हाउ इज दैट आउट पहला क्लियर अंदर वो है। ओए राजू दिल टूट जाता है गाइस मेरा दिल टूटा हुआ है। शॉट है यार भैया बिल्ली यार भाई माइंड माइंड माइंड। यस हाउ इज दैट हाउ इज दैट फिर सामने था कौन
भाई का जन्मदिन आज, केक काटेंगे बिल्कुल। अरे भैया हैप्पी बर्थडे, गुड विन यार भैया, गुड विन, वेल डन बॉयज, वेल डन भैया, वेल डन, वेल प्लेड मेरे बेचे, वेल डन भाई, कुछ करो वेल डन। चलो भैया आज हमारे भैया का बर्थडे, भैया का नाम क्या है? मोहित, 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 मोयो। अरे वो तो पहले फूकने दो यार, रुक दो, अभी ज्यादा भाव हो रखे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना जीता हम लोग? बहुत बड़ी जीत, बच्चा है तू मेरा समझा, कम बैच करा कर तू मेरे से, बैठ के दिन है फील के दिन बैच कर रहता है। सो गाइस आज का मैच कंप्लीट हो चुका है एंड आज के मैच हमारी टीम जीत गई है भाई, बहुत ही ज्यादा मस्त मैच रहा, सही वाकई हमारी पहली बैटिंग आ गई, टॉस जीत के हम लोगों ने पहली बैटिंग ली, ये डिसीजन अच्छा रहा, डिसीजन ये मेरा, नमन और विवेक तिवारी का ही था क्योंकि आउटफील्ड में जो घास थी थोड़ी गीली थी, विकेट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा चला जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उसी हिसाब से विकेट चला। एंड गाइस बेसिकली जो ये मैच था ये भैया और अपना आपसी में कुछ सट्टे वट्टे का मैच था, बट हमें भैया ने अपनी मैच फीस पे इन्वाइट किया था तो मैं और नमन और विवेक अपनी मैच फीस पे आए थे। सो एक बार जरा मैं क्विक समरी देता हूँ, तो आज नमन ने सेंचुरी बनाई, मैंने कुछ 72 रन बनाए 36 बॉल्स में, 200 की स्ट्राइक रेट से खेला है आपको भाई, 200 की स्ट्राइक रेट से। तो और फिर जैसे हमारी बॉलिंग है उसका फिर भैया जो हमारे कैप्टन थे राजू भैया, उन्होंने अच्छी बॉल डाली, उन्होंने क्विक 3 विकेट्स ली, GoPro लगाया था मैंने हेलमेट में कीपिंग करते टाइम, तो ये भी आज फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मजा आ गया। नमन ने भी फिर बाद में GoPro लगाया अपने हेलमेट के ऊपर, वो कह रहा कि उसको थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस लेने आया था, तो मजा आ गया यार आज के मैच में, मस्त रहा पूरा डे अपना यूटिलाइज हो गया। अब प्लान ये है कि शाम में जाएंगे ट्रेनिंग करेंगे और अभी तो जा रहे हैं हम लोग पूल खेलने के लिए, बट इस व्लॉग को मैं भी फिनिश कर रहा हूँ क्योंकि फिर कुछ ज़्यादा लंबी व्लॉग बन जाएगी। नमन ब्रो एक मिनट भाई, जरा एक मिनट जरा रुकेंगे, मैं जरा अपने सब व्यूअर्स से जरा एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आज के हमारे सेंचुरियन एक बार जरा हमारे इधर कैमरा में, तो आज नमन तिवारी ने सेंचुरी बनाई। सो गाइज अगर आप लोगों को स्क्रीनिंग अच्छी लगी, वैसे तो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो भाई के लिए जाके व्लॉग पे लाइक कमेंट शेयर कर देना जितना हो सके। नमन तिवारी यार तू इतनी अच्छी बैटिंग करता है, तो मतलब मेरे माइंड में एक प्लान चल रहा है, क्यों ना तू यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोज डालने जाए, शॉर्ट्स वीडियोज नॉट व्लॉग्स। हाँ डाल दे रहा है क्या यार? भाई नहीं मतलब यार तू अगर शॉर्ट्स डालेगा तो ज्यादा सही रहेगा, लोग डायरेक्ट देखेंगे। सो गाइज आप ही लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या हमारे नमन तिवारी ब्रो को यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोज डालनी चाहिए बताओ भाई? यस, ये क्वेश्चन के जवाब जरूर देके जाना भाई, किसी का जवाब दो, नमन ओपी लिखो या ना लिखो कुछ भी ऐसे, बट कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखा दो कि मुझे एक शॉर्ट्स की वीडियो डालनी चाहिए कि नहीं, चैनल बनाऊं और यूट्यूब शॉर्ट्स डालनी चाहिए कि नहीं डालूं, अब यस या नो जरूर बता देना प्लीज। सो गाइज आज के लिए इतना ही था, सो इस ब्लॉग में भी फिनिश करता हूँ, आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लगी होगी, अगर ब्लॉग अच्छी लगे तो ब्लॉग पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड जो भी न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, मिलते हैं बहुत जल्दी ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कोहली ऑन स्ट्राइक ब्रो, अनदर हाफ सेंचुरी, चल थोड़ा दिखाऊंगा मैं, कॉपी राइट ले देगा, एक दो रन कॉपी राइट लग जाएगा गाइस। लंच हो गया, बड़े मजा आ गया, इधर गाइस हम इधर आए थे, एक नंबर खाना था, मजा आ गया गुरु उस्ताद जी, खाने में ब्रिलियंट ट्रेनिंग था विराट कोहली, ही इज इन टॉप क्लास फॉर्म इन दिस वर्ल्ड कप, मतलब मार्वलस बैटिंग भाई, मजा आ गया विराट कोहली को देखने में, आज भी 70 ऑर्डर बनाए, देखते हैं क्लासिकल बैटिंग, क्लासिकल।